जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाली। वेलकम गाइस, वेलकम बैक। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं, डिस्कस करने वाले हैं, वो है शनि की साढ़े साती। सो हम अष्टकवर्गा के थ्रू भी देखेंगे शनि की साढ़े साती कैसे एनालाइज की जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम शनि की साढ़े साती में होता क्या है, क्यों लोग शनि की जो साढ़े साती है उससे भयभीत होते हैं, और इसको 7.5 साल का क्यों बोला है, इसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, और हमको क्या करना चाहिए, और कैसे शनि की 7.5 साती रिजल्ट्स देती है, इन सब के ऊपर आज हम बात करेंगे। सो शनि की 7.5 साती में दो मेन कॉन्सेप्ट्स आते हैं। जब भी सैटर्न चंद्रमा के ऊपर से गोचर करता है, एक घर पहले एक घर बाद और चंद्रमा के वहां, तो कॉम्बिनेशंस भी हम देखेंगे। उसके लिए हमको शनि की 7.5 साती समझने के लिए हमको दो चीज समझना बहुत जरूरी है। पहली चीज, शनि क्या है, शनि के कार्य तत्व क्या है, और मून क्या है, चंद्रमा क्या है, और चंद्रमा के कार्य तत्व क्या है। अगर वो हम समझ जाएंगे तो हम 7.5 साती को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। फिर हम वीडियो में आगे तीनों फेज, शनि फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज, तीनों फेज की बात करेंगे, क्योंकि तीन भागों में बांटी गई है 7.5 साती, ढाई 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 साल, तो 7.5 साल होते हैं। हम तीनों फेज की बारीकी से बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सैटर्न। सैटर्न के अगर कार्य तत्व देखें हम, तो सैटर्न शोज एक तो सैटर्न सबसे स्लोएस्ट प्लेनेट है सारे प्लेनेट्स में। वो एक घर को ट्रेवल करने में, अपने कुंडली में 12 घर होते हैं, तो एक घर को ट्रेवल करने में 2.5 साल लेता है। तो 2.5 साल लेता है, दैट मीन्स यहाँ पे मून से एक घर पहले, मून जहाँ बैठा है, और मून से एक घर बाद, तो टोटल ढाई 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 तीन घर का हो गया ट्रांजिट के अंदर, गोचर के अंदर 7.5 साल। जो भी आपकी मून राशि पड़ती है उससे अपने को देखना है, एक राशि पहले सैटर्न कब ट्रांजिट गोचर में आ रहा है, क्योंकि सारे मेनली हम ट्रांजिट पे ही देखते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे 2.5 साल वो, 2.5 साल मून के ऊपर, फिर 2.5 साल मून के बाद। ये 7.5 साल का पीरियड होता है 7.5 साती का। अगर हम शनि को समझे, शनि एक तो वन ऑफ द स्लोएस्ट प्लैनेट है। सैटर्न शोज डिले ऑल्सो, सारी चीजें धीमी धीमी, क्योंकि वो धीमी गति से चलता है, तो चीजें भी वो धीमी धीमी ही देता है। और अगर सैटर्न की बात करें तो सैटर्न जहां बैठता है उसके तीन, वहां से तीन दृष्टियां होती है सैटर्न की। पहली दृष्टि थर्ड एस्पेक्ट बोलते हैं जिसको, वो वक्री दृष्टि होती है। वक्री दृष्टि बोले तो अगर हम कुंडली में, काल पुरुष की कुंडली में देखें, तो थर्ड हाउस हमारा शो करता है हार्डवर्क। और वक्री दृष्टि भी बोलती है कि जहां भी सैटर्न देखेगा वहां तीसरी दृष्टि से वहां आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। ये कंसेप्ट हमको याद रखना है 7.5 साती एनालाइज करते रहे टाइम पे। तीसरी जो दृष्टि हो गई सैटर्न की, वो हो गई वक्री दृष्टि, विच गिव्स अस हार्डवर्क। और जो दूसरा एस्पेक्ट है वो है सेवंथ दृष्टि सैटर्न की, सातवें, अपने से सातवें घर या 180 डिग्री पे देखता है। वो जनरल एस्पेक्ट बोला जाता है जिससे अपन पार्टनर्स, अपोनेंट और इन सबको देखते हैं। तो वो अपने से सामने वाला, अपन जिससे डील कर रहे हैं उसके बारे में बताता है। तीसरा हो गया 10th एस्पेक्ट। सैटर्न काल पुरुष कुंडली में 10th हाउस का मालिक भी है, जो कि कर्मा कर्मा से रिलेटेड है। आप क्या काम कर रहे हैं, आप क्या काम करेंगे, और कैसा रिजल्ट मिलेगा, इट्स योर कर्म भूमि, 10th हाउस हो गया। और 10th एस्पेक्ट भी कर्म से रिलेटेड, कामकाज से रिलेटेड ही बताता है आपका। 10th हाउस आपको काम करने के लिए पुश करता है। ये तो अपन ने सैटर्न की दृष्टियों की बात कर ली, और सैटर्न को न्यायाधीश भी बोला गया है। न्यायाधीश मतलब सैटर्न हमेशा ऑब्जर्व करता है आपने पास्ट में क्या किया है और आप क्या कर रहे हैं। उसके बेसिस पे ही सैटर्न जब भी गोचर में 7.5 साती में आता है, अपने घर में आता है, या फिर सैटर्न आपके नेडल चार्ट में जहां भी बैठा है वहां आता है, उस टाइम पे वैसे ही रिजल्ट देता है जैसे आपने आप पास्ट में आपने कर्म किए, क्योंकि वो न्यायाधीश की उपाधि भी दी गई है। ये तो बात हो गई सैटर्न की।
दूसरी जो बात करते हैं हम, जो 7.5 में मेन प्लेनेट आता है वो है मून। मून एक तो सबसे फास्टेस्ट प्लेनेट है, दूसरा इट रूल्स आर माइंड, हमारे इमोशंस, हमारे माइंड, ये सारी चीजें रूल करता है चंद्रमा, आर फीलिंग्स ये सा, और ऑल्सो आर मदर। तो जितने भी लव, अफेक्शन और इमोशंस वाली चीजें आ गई, माइंड वाली चीजें आ गई, वो सारी रूल करता है अपना चंद्रमा। और चंद्रमा वाटरी प्लेनेट भी है, और जो सैटर्न है वो ड्राई प्लेनेट है एक तरह से, बहुत सूखा सा ड्राई गर्म हवा। सैटर्न जो प्लेनेट है वहाँ पे, सैटर्न सैटर्न ग्रह पे, शनि ग्रह पे गर्म हवाएं चलती है, तूफान चलता है, ड्राई ड्राई प्लेनेट है, तो इसलिए वहाँ पे ड्राई, और मून है पानी का कारक, तो यहाँ पे दोनों में भेद भी हो गया है एक तरह से। अगर हम देखें इस डायग्राम में, जैसे हम समझ सकते हैं, मून जहाँ बैठा है उससे एक घर पहले, मून जहाँ बैठा है उस घर पे, और एक घर घर बाद वहां पे अगर सैटर्न गोचर में आ जाएगा, आपकी जो भी राशि हो मून आपके चार्ट में, उस राशि से एक राशि पहले और एक राशि बाद, और उस राशि पे जब भी सैटर्न ट्रांजिट में आएगा वो टाइम 7.5 बोलते हैं। तो मून जब भी, ये हमेशा रोटेशन में, जब भी 12th फ्रॉम मून, ऑन द मून, ओवर द मून, और सेकंड फ्रॉम द मून, ये जब भी ट्रांजिट में आता है तो हम उसको 7.5 बोलते हैं, उस टाइम को 7.5 बोलते हैं। अगर हम देखें 12th फ्रॉम मून मतलब 2.5 साल हो गए, 2.5 ईयर्स वो हो गए। उसके बाद दूसरा अगर हम देखें तो ऑन द मून, ऑन द मून फिर 2.5 ईयर्स, और सेकंड फ्रॉम द मून, सेकंड हाउस फ्रॉम द मून, दैट इज 2.5 ईयर्स। अगर टोटल करें तो 7.5 ईयर्स, अप्रोक्स 7.5 ईयर्स, वो आगे पीछे मतलब 2-4 महीने आगे पीछे चलता है, दैट इज वाई इसको 7.5 बोला जाता है। अगर हम देखें, ये तो मैंने फर्स्ट हाउस से दिखा दिया, अगर आपका मून 4th हाउस में बैठा हुआ है, या आपकी मान लो कर्क राशि है, तो कर्क से एक राशि पहले आ गई मिथुन राशि, एक राशि बाद आ गई सिंह राशि, तो कर्क, मिथुन और सिंह से जब भी मून ट्रांजिट करेगा वो, तो वो 7.5 कहलाएगा। तो वो 3 हाउसेस शोज 3 7.5 ईयर्स, 2.5 ईयर्स फॉर थर्ड हाउस, 2.5 ईयर्स फॉर 4th हाउस, एंड 2.5 ईयर्स फॉर 5th हाउस। सो यहाँ पे ये 7.5 का कंसेप्ट क्यों 7.5 साल बोला गया है, ये आता है अपना। अब हम देखते हैं कि 7.5 में सैटर्न ही इतना इफेक्ट क्यों देता है। पहली चीज, सैटर्न सबसे स्लोएस्ट प्लेनेट है, तो उसका जो इफेक्ट रहेगा वो बहुत टाइम तक रहता है, क्योंकि 2.5 साल में एक घर को ट्रांजिट करता है सैटर्न। दूसरा जो अपन बोलेंगे वो देखेंगे, सैटर्न एक न्यायाधीश है, तो सैटर्न जब 7.5 स्टार्ट होती है ना, पहले फेज में सैटर्न आपको चांसेस देता है कि आप अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करें, आप मेहनत करें, आप कर्म करें, क्योंकि सैटर्न को कर्म प्रधाता बोला गया है, और 10th हाउस को रूल करता है, दैट इज योर हाउस ऑफ कर्मा। तो वो बोलता है कि आप हम एक एक बार मतलब तीनों फेज एक एक करके देखेंगे विद डिफरेंट दृष्टि, बट उनको न्यायाधीश कहा गया है। और अगर हम देखें कुंडली में, मून आपका माइंड है, तो जहां मून बैठा है वहां माइंड, हर घर से उसका 12वां घर उसके कार्य तत्व को खत्म करता है। और मून यहाँ पे जो 12th हाउस है वो सबकॉन्शियस माइंड भी बोला जाता है अपनी एस्ट्रोलॉजी में, सबकॉन्शियस माइंड वहां से देखते हैं। कुंडलिनी बहुत सी बार अगर अपने को जागरण करनी है तो वहां से देखते हैं, एक्सपेंसेस खर्चा वहां से देखते हैं, लॉन्लीनेस, क्योंकि आप 12वें, आप मून जहाँ हैं आप वहां खुद बैठे हैं, और 12वां आप वो सारी चीजें हटा देता है, तो आप अकेला फील करते हैं 12वें घर में, तो लोनलीनेस भी वहां से आ जाती है इसलिए। और एक केमद्रुम योग होता है एस्ट्रोलॉजी में, केमद्रुम योग बोलता है, अगर मून के आसपास कोई ना बैठा और मून के साथ कोई ना बैठा, एक घर आगे और एक घर पीछे, तो वो योग बहुत अच्छा नहीं कहा गया है। मतलब इसमें इंसान बहुत सी बार बोलते हैं गरीब होता है बहुत सी बार, और इमोशनली वो अच्छा नहीं रहता, वो लोनली फील करता है, क्योंकि क्योंकि मून के आसपास कोई नहीं है। अब मून के आसपास कौन आ गया, सैटर्न आ गया है। सैटर्न तो सैटर्न बोलेगा कि अब मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ, तो तुमको ऐसी चीजें कर जो मैं चाहता हूँ वो तुम करो, तो तुम्हारी सारी चीजें बनती जाएंगी।
अगर तुम वैसा नहीं करोगे तो तुमको प्रॉब्लम आएगी आएगी 7:30 में, क्योंकि सैटर्न बोलता है कि मैंने अब तुम्हारे माइंड को कवर कर लिया है। तो फर्स्ट फेज में जब वो सबकॉन्शियस, पहले तो मून हो गया माइंड, और 12th हाउस में जब फर्स्ट फर्स्ट ट्रांजिट करेगा 12वें घर में, तो 12वां घर हो गया आपका सबकॉन्शियस माइंड, मतलब माइंड का भी माइंड हो गया वो, माइंड के अंदर का माइंड। सो उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को पकड़ लिया, और वहां से 12th हाउस से खर्चे देखते हैं, हॉस्पिटल देखते हैं, उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड को पकड़ लिया, कुंडलिनी को पकड़ लिया। तो वहां से अगर वो सैटर्न अगर इफेक्ट डालेगा तो बोलेगा अब तुम्हारा माइंड मेरे कब्जे में है, तुमको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। सैटर्न शोज डिले, तो माइंड में बोलेगा चीजें, मतलब अपने माइंड को ऐसा लगेगा कि अपनी सारी चीजें डिले हो रही हैं, जो भी मैं काम कर रहा हूँ रिजल्ट धीरे धीरे, में रिजल्ट नो डाउट मिलेंगे बट धीरे धीरे मिलेंगे, और इंसान को क्या है धीरे की आदत नहीं है। सो सैटर्न ने फर्स्ट फेज में क्या किया, पहले तो वो मून से 12th आया, जब चालू हुई सबकॉन्शियस माइंड को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, हॉस्पिटल रिप्रेजेंट कर रहा है। अब माइंड हो गया अपना फ्लो ऑफ वाटर, क्योंकि मून रिप्रेजेंट कर रहा है, और सैटर्न एक्टिवेट हुआ तो सैटर्न ने ड्राइनेस लाई, तो मून अपने जो इमोशंस है ना उसको खत्म करते जाएगा, इमोशंस को मतलब जो अच्छी फीलिंग्स है वो खत्म करते जाएगा सैटर्न। सैटर्न बोलेगा फीलिंग्स से काम नहीं चलता, तुमको काम करना है, तो अगर आप तुम काम करोगे तो सारी चीजें तुम्हारी अच्छी चलती रहेंगी। सो सैटर्न बोलेगा सबकॉन्शियस माइंड को चेंज द पैटर्न, अपने लाइफ का पैटर्न चेंज करो, हार्ड वर्क करो, क्योंकि तुम कर्म जितना तुम कर्म करोगे उतना तुम्हारे लिए फायदा होगा, ये सब चीज सैटर्न बोल रहा है, शनि बोल रहा है। सो अगर हम देखें तो सबसे पहला सैटर्न ने अपना तीसरा एस्पेक्ट डाला सेकंड हाउस पे, जो मून से सेकंड है, तो सेकंड हाउस हो गया आपकी लैंग्वेज का, सेकंड हाउस हो गया आपके रिसोर्सेस का, सेकंड हाउस हो गया आपकी मनी का, सेकंड हाउस हो गया आपके कुटुंब का। तो सैटर्न बोलता, और एक और बात जो हमको याद रखनी है, सैटर्न जब भी अपने विपरीत राजयोग बनाता है तो एक सैटर्न का खुद का राजयोग होता है विपरीत राजयोग, वो बोलते हैं सरल नाम का राजयोग। तो सैटर्न अभी 12वें घर में ट्रांजिट कर रहा है, तो अगर अपन राजयोग देखें तो वो सरल नाम का विपरीत राजयोग, तो सैटर्न बोलता है मैं 12वें घर तुम्हारे मून से 12वें में हूँ तो मैं सरल नाम का राजयोग बनाता हूँ, अगर इसे लेके चले तो। सरल नाम का राजयोग मतलब तुमको सरल बनना है, तुमको अगर, और फर्स्ट एस्पेक्ट उसकी थर्ड दृष्टि आ रही है सेकंड हाउस पे, मून से सेकंड पे, और सैटर्न की थर्ड दृष्टि पड़ रही है, तो बोल रहा है तुमको सरल बनना है। सरल बनना है मतलब तुमको अच्छी वाणी बोलनी है, तुमको लोगों से कड़वा नहीं बोलना है जब मैं आ रहा हूं तो। दूसरा, तुम्हारे रिसोर्सेस, तुमको मेहनत करनी पड़ेगी तो तुम पैसे कमाओगे, क्योंकि सेकंड हाउस भी आ गया और 12th हाउस भी आ गया, सैटर्न खर्चे करवाएगा, सैटर्न खर्चे करवाएगा, तो इंसान को लगेगा कि लाइक मेरे तो फिजूल में खर्चे हो रहे हैं। तो यहाँ से अच्छा और बुरा, सैटर्न आपको मौका दे रहा है कि आपके पास रिसोर्सेज हैं, यूटिलाइज दैट रिसोर्स इन ए गुड वे, सेकंड हाउस पे दृष्टि डाल के वो बोल रहा है। दूसरी बात वो बोल रहा है सरल बनो, चीट मत करो, अगर आप चीट करोगे तो सेकंड और थर्ड फेज में आपको और ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। अगर फर्स्ट फेज में आपने स्ट्रगल कर लिया, आपने सैटर्न की तरह काम कर लिया, तो आपको सेकंड फेज में उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि जितने भी नेता, बड़े बड़े नेता हुए, 90% नेताओं को अगर आप देखोगे वो उठे हैं सैटर्न की 7:30 में ही। कोई भी बंदा उठता भी 7:30 में और गिरता भी 7:30 में, क्योंकि सैटर्न बोलता है मेहनत करो, अगर आपने मेहनत कर ली तो सैटर्न उसका रिजल्ट दे के जाएगा ही जाएगा, क्योंकि सैटर्न इज न्यायाधीश। तो सैटर्न ने सेकंड हाउस को देखा सबसे पहले फर्स्ट फेज में जब वो 12वें घर में था, तो वो बोलता है सरल बनो, आपकी आपकी लैंग्वेज, आपकी जो बोली है बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो वहां पे बोलने में भी हार्डवर्क करा रहा है, तीसरी दृष्टि से देख रहा है अपनी। दूसरा वो बोलता है 12th हाउस में बैठा है तो मेडिटेशन भी करो, उसके बाद वो सैटर्न बोलता है खाओ पियो मत, ड्रिंक्स मत लो, अल्कोहल मत लो, क्योंकि अल्कोहल लोगे तो मैं तीसरी दृष्टि से देख रहा हूँ, मैं तुम्हारी लैंग्वेज खराब कर दूँगा, आप अल्कोहल पियोगे तो तुम्हारी लैंग्वेज खराब हो जाएगी, लैंग्वेज खराब होगी तो सारे काम, लोगों से रिलेशन बिगड़ जाएंगे आपके, और खर्चा मनी ये सारी चीजें आ जाती हैं।
तो इसलिए सेकंड फेज में, मतलब फर्स्ट फेज जब चालू होता है, इसलिए इंसान को लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं आ रहे हैं। सैटर्न क्योंकि वहां पे देख रहा है मेरे पास पैसे नहीं आ रहे हैं, या फिर मेरी किसी से लड़ाई हो रही है। लड़ाई इसलिए नहीं हो रही है कि सैटर्न बैठा है, लड़ाई इसलिए हो रही है कि आप सरल नहीं बन रहे हो। सैटर्न बोलता है आप सरल बनो, बट आप सरल बनना नहीं चाहते हो, इसलिए एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा, आप फैमिली वालों से लड़ाई झगड़ा करोगे, क्योंकि सेकंड हाउस हो गया फैमिली का। तो फैमिली वालों से आप जितना अच्छा रहोगे, फैमिली आपकी स्ट्रेंथ होती है, किसी भी इंसान की स्ट्रेंथ होती है फैमिली। अगर फैमिली वालों से आप अच्छा बन के रहोगे, अच्छा बोलोगे, तो आपको जितनी भी प्रॉब्लम आएगी, आपकी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होती चली जाएगी। इंसान क्या होता है, इस टाइम पे फैमिली वालों से ही वो कर लेता है, मुठभेड़ कर लेता है, तो उनको प्रॉब्लम आना स्वाभाविक है। दूसरी जो चीज आती है सैटर्न का, जो सेकंड एस्पेक्ट है वो है सेवंथ एस्पेक्ट। सेवंथ एस्पेक्ट मतलब आपको सामने वाले से डील करना है। अब डील करना है तो सेवंथ एस्पेक्ट वो मून से आ गया, आपके जो मन है उससे आ गया सिक्स हाउस में। सिक्स हाउस क्या बोलता है, आपके एनिमीज को शो करता है, आपकी जॉब को शो करता है, आपके लोन्स को शो करता है, आपके डिसीज को शो करता है। ये सारी चीजें सिक्स हाउस शो करता है और आपको उनसे डील करनी है। तो सैटर्न जिन जिन से भी डील करेगा, अगर आपने अच्छे मतलब थर्ड हाउस में अगर अच्छा नहीं बोला, तो वो आपके एनिमीज बन जाएंगे। आपके जॉब पे आपको एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो थर्ड हाउस सेकंड हाउस में जो पैसा आ रहा था रिसोर्सेस, उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा जॉब में उसको पाने के लिए। और अगर आपने यहाँ से एनिमीज भी देखते हैं, यहाँ से लोन्स भी देखते हैं, तो इंसान क्या करेगा, इस टाइम पे लोन भी उठा लेगा। उसको लगेगा कि पैसे नहीं मिल रहे, सेकेंड हाउस अफेक्ट हो रहा है। अगर आपने काम नहीं किया, सेकेंड हाउस अफेक्ट हुआ, तो आप लोन उठा लोगे। आपको टेंशन हुई, आपको डिसीज हो जाएगी कोई ना कोई। तो सैटर्न बोलता है कि मेहनत करो, फिजिकल मेहनत करो। आप फिजिकल मेहनत, क्योंकि कर्म का कारक है, फिजिकल मेहनत से क्या है, बॉडी थकेगी आपकी, क्योंकि पुराने टाइम पे कर्म के आसार है। अभी कंप्यूटर पे बैठने वाले काम चालू हुए हैं, आईटी प्रोफेशनल्स जो काम करते हैं वो सारे काम अभी चालू हुए हैं। पहले सारे जो भी कर्म थे वो क्या, खेती हो गई या फिर फिजिकल मेहनत थी। तो सैटर्न बोलता है फिजिकल मेहनत करो आप, क्योंकि सैटर्न इज ऑल्सो द कारका फॉर लोअर क्लास पीपल, जो मेहनत करते हैं, मेहनती लोग रहते हैं। और यहाँ से सैटर्न ये भी बोलता है कि आप जहाँ जॉब कर रहे हो वहां पे लोअर क्लास पीपल को आप गंदा ना बोले, आप उनकी इज्जत करें, क्योंकि सैटर्न रूल्स इट। उसके बाद एनिमीज भी ऐसे ही बनेंगे। अगर आपने अच्छा नहीं बोला तो आपका एनिमीज बनना तय है। इसलिए आपको इन जो जो भी चीजें आप कर रहे हैं उनमें ये प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद अगर हम देखें, यहाँ से ऑब्स्टेकल्स भी देखे जाते हैं सिक्स हाउस से, सिक्स फ्रॉम मून। अपने मन को ऐसा लगता है कि मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, ऑब्स्टेकल्स, एक्चुअल में वो होता नहीं है, बट वो मन मन को ऐसा लगता है, क्योंकि मन अपने मन से सिक्स हाउस एनिमीज का भी हो गया, ऑब्स्टेकल्स का भी हो गया, डिसीज का भी हो गया, लोन्स का भी हो गया, हर्डल्स का भी हो गया। हमको सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है, सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा लगता है कि हमको बहुत सारी हर्डल्स आ रही, एक्चुअल में वो होती नहीं है, बट हमको ऐसा लगता है। और उसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी बोली मतलब बदल लेते हैं, हमको लेजी बन जाते हैं हम, क्योंकि आपको लगता है हर तरफ से मेरा कुछ हो ही नहीं रहा है। जबकि सैटर्न बोल रहा है तुम मेहनत करो, अभी तुम्हारा मेहनत करने का टाइम है, रिजल्ट तो मैं देके जाऊंगा तुमको। अगर तुमने मेहनत करी तो मैं बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाऊंगा। ये सेकंड। अब जो थर्ड एस्पेक्ट आता है फर्स्ट साइकिल में सैटर्न का, वो आता है 10th एस्पेक्ट, और जो कि मून से हो गया आपका 9th। 9th हाउस शो करता है आपका रिलीजियस थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दैट 9th हाउस ये भी शो करता है भगवान से जुड़ना, आध्यात्म, अच्छे कर्म करना, डोनेशन करना। तो सैटर्न बोलता है कि मैं सबकॉन्शियस माइंड में 12th हाउस में बैठा हूँ। 12th हाउस एक हाउस ऑफ लिबरेशन भी है। तो सैटर्न बोलता है तुमको अगर अपनी जिंदगी से परमात्मा से अगर आप जुड़ोगे, तो मैं सारी चीजें और अच्छी कर दूंगा।
आपको यहाँ से नाइन्थ हाउस का ये भी रिप्रेजेंटेशन है कि आपको चीटिंग नहीं करनी है। अगर आप चीटिंग करोगे तो सेकंड और थर्ड फेज में आपको प्रॉब्लम आएगी। सैटर्न हमेशा 7.5 में हर फेज में आपको शो करता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपने वैसा का कर्म किया तो सैटर्न आपको कभी प्रॉब्लम नहीं देगा। आपकी 7.5 भले ही वो कितने ही गंदी पोजीशन में, वो मेहनत कराएगा, आपको मेहनत से पीछे नहीं हटना है, बट वो ये नहीं बोलेगा कि आपको मेहनत। 9th हाउस ऑल्सो शोज योर फादर। आपके फादर से आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं क्योंकि आपके पास मनी की प्रॉब्लम आ रही है। अगर फादर आपको समझाएंगे तो आप फादर से आर्ग्यूमेंट करोगे। फादर से आर्ग्यूमेंट नहीं करना है अपने को इस फेस में। आध्यात्म डोनेशन करना है, आध्यात्म मंदिर जाओ, भगवान से जुड़ो, रिलीजियस और थोड़ा रिलीजियस बनो। सैटर्न बोलता है तुम आध्यात्म 9th हाउस से जुड़ोगे तो मैं तुमको 12वें घर का जो आध्यात्म वाला है उसके फल दूंगा अच्छे आगे चल के। सो ओवरऑल अगर फर्स्ट फेज का मैं देखूं, सो आपको रिसोर्सेस से डील करना है, आपको बिजनेस से डील करना है, क्योंकि आपका 6th हाउस आ गया है वहां पे, और 7th सैटर्न से 7th है और मून से 6th है, तो आपकी जॉब बिजनेस ये सारी चीजें, जॉब में आप एनिमीज बना लोगे। आपको पीपल को चीट नहीं करना है, आपको ओवर स्ट्रेस नहीं होना है, भगवान से जुड़ना है, डोनेशन करना है, आपको चीट किसी से नहीं करना है। अगर चीट करोगे कि न्यायाधीश है सैटर्न, इट विल गिव रिजल्ट्स इन सेकंड और थर्ड फेज। सो सबकॉन्शियस माइंड पे सैटर्न बैठा है, तो सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा बना लो, क्योंकि हर हाउस की एनर्जी फिक्स है, उसको रिजल्ट उतने 100% एनर्जी है, वो एनर्जी उतनी ही देगा 100%। 100 से ना ज्यादा है ना कम है। अब उसको रिजल्ट तो शो करना है, आप उसको पॉजिटिव में लगा लो या नेगेटिव में लगा लो। पॉजिटिव में लगा लिया तो नेगेटिव के लिए बचा ही नहीं, ग्लास में पानी उतना ही भर सकते हैं, ज्यादा पानी भरोगे तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो अगर आपने पॉजिटिव अच्छा ग्लास भर लिया तो प्रॉब्लम नहीं देगा। सैटर्न ऑल्सो फर्स्ट फेज में बोलता है ड्रिंक्स ना ले। अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है आप ड्रिंक्स ना ले। आप ड्रिंक्स लेंगे तो आप गंदा बोलेंगे, गंदा बोलेंगे तो आपका जो 6th हाउस के इफेक्ट्स हैं वो सारे आ जाएंगे। इसलिए ये तो हो गया फर्स्ट हाउस का एनालिसिस। अब हम चलते हैं सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस जो सबसे इंटेंस हाउस, इंटेंस टाइम होता है 7.5 का, पीक टाइम जो बोलते हैं 7.5 का, क्योंकि सैटर्न आपके मन पे ही आ गया है, आपके माइंड पे ही कवर कर लिया है उसने। तो जितना भी अपना मन जो पानी वाला फेज था वहां पे गर्म हवाएं चलने लग गई है, तो आपका स्टेट पूरा चेंज हो जाएगा। मेंटल मेंटल जो पीस है ना वो पूरी खत्म हो जाएगी। ऐसा इंसान को इमोशनली अंदर से लगता है, एक्चुअल में होता नहीं है बट इमोशनली ऐसा लगता है। अगले जो 2.5 साल होने वाले हैं सैटर्न के, जो नेटल मून के ऊपर से जब ट्रांजिट करेगा, वो बहुत चैलेंजिंग होते हैं। अगर आपने फर्स्ट फेज में सैटर्न ने बोला आपको कि आप चेंज करो, आपका वर्क स्टाइल चेंज करो, आप मेहनत करो, आपने वो सारी चीजें की, जो सेकंड फेज कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। अगर आपने वो सब नहीं किया तो सैटर्न बोलेगा अब मैं सिखाता हूँ तुमको। 7.5 कभी भी बेकार नहीं होती है। इंसान का डर उसे और उसके कर्म उसे ऐसा महसूस कराते हैं कि वो प्रॉब्लम दे रही है, बट वो कभी भी प्रॉब्लम देते नहीं है। तो अब सैटर्न ने जब मून के ऊपर, माइंड के ऊपर कर लिया और गर्म हवाएं चल रही हैं, तो पानी लाइक अपने मन का स्टेट चेंज होने लग जाता है। अपन ड्राई फील करने लग जाते हैं। ड्राई फील कर रहे हैं मतलब अच्छा फील नहीं कर रहे हैं हम। सो यहाँ पे सैटर्न क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो सैटर्न आपके माइंड पे बैठ गया है, तो माइंड का पूरा कब्जा, फर्स्ट हाउस में मून के ऊपर ही बैठ गया तो फर्स्ट हाउस पे पूरा कब्जा कर लिया। अब यहाँ से वो 3 दृष्टि डालेगा, आपके 3rd हाउस पे डालेगा, आपके 7th हाउस पे डालेगा, आपके 10th हाउस पे डालेगा। सैटर्न बोलेगा फर्स्ट, पहले मैंने तुम्हारे रिसोर्सेस पे वो डाली, दृष्टि डाली थी, तो रिसोर्सेस तुम्हारे, अगर तुमने अच्छा किया तो रिसोर्सेस तुमको हेल्प करेंगे, नहीं तो तुम्हारी लैंग्वेज से तुम्हारे फैमिली वाले दूर हो जाएंगे, तुम्हारे ऑब्स्टेकल्स, अगर जॉब में तुमने थोड़ा सहनशीलता दिखाई तो तुम्हारी जॉब अच्छी चलेगी, तुमने भगवान से अगर तुम जुड़ गए तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर नहीं तो फिर तुमको मैं प्रॉब्लम दूंगा। सैटर्न, अब सैटर्न क्या करता है, सैटर्न प्रॉब्लम कुछ क्रिएट नहीं करता है। सैटर्न प्लस मून जब भी मिल जाते हैं, सैटर्न शोज डिले और मून माइंड,
माइंड को ऐसा लगता है, महसूस होता है अंदर से कि मेरी सारी चीजें डिले हो रही हैं, धीरे धीरे करके डिले हो रही हैं। तो इंसान क्या फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि यार मेरे काम ही नहीं बन रहे। एक्चुअल में काम बनेंगे, सैटर्न स्लो प्लेनेट है तो वो धीरे धीरे काम करेगा, पर प्रोमिनेंट काम करेगा। सैटर्न जहां बैठता है वहां का कभी भी नुकसान नहीं करता, बट वो डिले, सैटर्न प्लस मून तो माइंड पे स्लोनेस आ गई, तो आपको लगेगा कि भाई मेरे तो सारा का सारा स्लो हो गया। अब माइंड प्लस वर्क, सैटर्न वर्क भी शो करता है, माइंड प्लस वर्क तो मैं काम, तो सैटर्न बोल रहा है आपके माइंड को कि आप हार्ड वर्क करो। अब आपको लगेगा कि मेरी चीजें बन नहीं रही है, मेरे को इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो स्लो प्लस हार्ड वर्क दोनों चीज आपको करनी पड़ेंगी थोड़े टाइम के लिए। तो सैटर्न रिजल्ट्स जबरदस्त देता है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑल्सो। अगर किसी की कुंडली में सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन है तो उसका 10th हाउस और मून दोनों मिल गया, उसके कर्म उसके माइंड के साथ मिल गए, तो वो बहुत जिद्दी हो जाता है कि मेरे को करना ही है। आपने वो जिद छोड़ दी तो फिर सैटर्न की 7.5 में आपको प्रॉब्लम आना, सिंपल सा कंसेप्ट है। और अगर आपने, बहुत सारे चार्ट्स हैं जिसमें हम देखते हैं कि सैटर्न और मून का अगर कॉम्बिनेशन हुआ, फॉर एग्जांपल सौरभ गांगुली, सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन है उसका 2nd हाउस में, वहां देखे तो सौरभ गांगुली कैप्टन, इंडियन कैप्टन बन गया। उसके बाद धोनी, धोनी का सैटर्न मून देख रहा है तो धोनी के उसमें भी सैटर्न मून कितना अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन बिगड़ा हुआ नहीं होता है। आपको मैं पता होना चाहिए आपने, उनने मेहनत की, उनने डेडिकेशन दिखाया तो वो कहाँ पे पहुंच गए, क्योंकि उनने कर्म और अपना माइंड दोनों को मिक्स कर लिया था। सो सैटर्न मून वो भी शो करता है। सैटर्न यहाँ पे बोल रहा है माइंड पे आके, डोंट बी लेजी, कर्म करो, क्योंकि सैटर्न 10th हाउस को भी देख रहा है, रूल भी कर रहा है। तो अब यहाँ पे अगर हम इसकी दृष्टियों की बात करें, एक एक करके एनालाइज करें, तो पहली दृष्टि सैटर्न और मून साथ में है तो 3rd हाउस पे ही दे रही है, मून से 3rd हाउस। 3rd हाउस मतलब अपने मन को, हार्ड वर्क का है, कम्युनिकेशन का है, ट्रेवलिंग का है। सैटर्न बोलता है पहले फेज में आपकी प्रॉब्लम भी है, मान लो आपने गंदा भी बोला या फिर आपने आपने प्रॉब्लम, पहला फेज आपका बहुत ही बुरा गया, तो सैटर्न बोलता है 2nd फेज में आपको हार्ड वर्क, आपको लोगों से कम्युनिकेशन बनाए रखना है, आपको कम्युनिकेशन नहीं तोड़ना है लोगों से। सैटर्न ये बता रहा है आपको, अगर आपने कम्युनिकेशन तोड़ा तो आपका 3rd फेज भी बेकार जाएगा। सैटर्न बोलता है आप सरल बनो, सरल बन के आप कम्युनिकेशन, आप अच्छा बोलो और कम्युनिकेट करो लोगों से। और दूसरा नेचुरल 3rd हाउस अगर देखें हम तो वो हार्डवर्क का भी होता है, और सैटर्न वहां बैठ के और मून के साथ ही है तो वो बोल रहा है हार्डवर्क। तो वक्री दृष्टि भी हार्ड मतलब बोलती है कि हार्ड वर्क करो, और ये 3rd हाउस को ही देख रही है। तो डबल यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे डबल हो गया। 3rd एस्पेक्ट हार्ड वर्क को शो करता है और वक्री दृष्टि भी हार्ड वर्क को शो करती है, तो हार्ड वर्क प्लस हार्ड वर्क डबल हार्ड, सुपर हार्ड वर्क। तो सैटर्न बोलता है तुम मेहनत करो, तुम हार्ड वर्क करो, रिजल्ट मैं दूंगा, रिजल्ट देना मेरा काम है। तो अपने को एक ही चीज समझ में आती है, अपने को लेजी नहीं बनना है। सैटर्न इतना सा बोल रहा है कि लेजी मत बनो। इंसान लेजी बन जाता है या फिर अपनी लैंग्वेज खराब कर लेता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इसलिए उसको प्रॉब्लम आ जाती है 7.5 के अंदर। तो सैटर्न बोल रहा है कम्युनिकेट विद पीपल रेगुलरली, लोगों को जाने मत दो, लोगों को एनिमीज मत बनाओ। एनिमी भी बना लिया है तो उनसे तुम नम्रता से, सरल बन के नम्रता से बात करो, तो मैं सारी चीजें आपकी बहुत इजी वे में सारी चीजें कर दूंगा। उसके बाद सैटर्न का 7th एस्पेक्ट, सातवीं दृष्टि देखें, सातवीं दृष्टि 7th हाउस को देख रही है। 7th हाउस को देख रही है मतलब स्पाउस, जिसकी स्पाउस हो गया, पार्टनर हो गया, अपोनेंट हो गया, पब्लिक हो गया। तो सैटर्न शोज डिले ट्रांजिट में। अगर मून 7.5, बहुत सी बार ऐसा होता है 7.5 चल रही है, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी के रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, सेकंड हाउस फैमिली का था, फर्स्ट फेज में उसने अच्छे से बात नहीं की तो स्पाउस से उनका टेंशन बढ़ गया है। तो यहाँ पे अच्छा भी करता है, अगर आपने फर्स्ट फेज में सरल बने आप और आपने बहुत कम्युनिकेशन अच्छा रखा, धीरज रखा, तो आपके पार्टनर से बहुत अच्छी बन भी जाएगी आपकी इसी फेज में,
यहाँ से आपका बिजनेस भी देखते हैं, आपके पब्लिक अपोनेंट भी देखते हैं, पब्लिक स्पीकिंग भी देखते हैं. अब सैटर्न इज ए ड्राई प्लेनेट, इफेक्ट करेगा आपके रिलेशनशिप को. सामने पब्लिक्स में आप आपके अपोनेंट क्या है, आपके स्पाउस भी आ गया उसमें, आपके पार्टनर भी आ गए, आपके बिजनेस पार्टनर्स भी आ गए, आपके आपकी डेली वेजेस भी आ गई, ये सारी चीजें इफेक्ट करेगा. तो आपने फर्स्ट फेज में बहुत अच्छा किया, क्योंकि फर्स्ट फेज में आपको कुछ नहीं करना, फर्स्ट फेज में एनालाइज करना है कि मैंने क्या क्या किया है और मेरे साथ क्या हुआ है. अगर मेरे साथ अच्छा हुआ, मैंने सारा काम सही किया है, तो मेरे को कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, मेरे को वैसे ही करना. अगर मेरे साथ प्रॉब्लम आई, सैटर्न पग पग पे आपको शो करेगा कि आपको ये करना है, चीजें ऐसे करनी है. आप नहीं करते हो, वहां प्रॉब्लम आ जाती है. तो सैटर्न की चीजों को समझे, शनि को समझे यहाँ पर. सो सैटर्न ड्राई प्लेनेट होने से जब मून पे जाएगा तो दैट इफेक्ट्स आर रिलेशनशिप. अगर फर्स्ट फेज अच्छा गया तो सेकंड फेज में जो रिलेशनशिप वाला है वो प्रॉब्लम नहीं देगा. अगर नहीं तो अगर तो वो बोल रहा है आप कम्युनिकेशन अच्छा रखें अपने स्पाउस से, क्योंकि थर्ड हाउस पे देख रहा है. आप हार्डवर्क भी करें तो आपको बिजनेस में फायदा होगा. आप कम्युनिकेशन अच्छा रखें आपके स्पाउस, या फिर आप पब्लिक स्पीकिंग में कम्युनिकेशन अच्छा रखेंगे तो आप पब्लिक आपसे रूठी नहीं रहेगी. और अगर हम आगे देखें तो आपके गुड रिलेशंस बनेंगे, आपके इमोशंस लूज नहीं होंगे, आप कम्युनिकेशन करते जाएंगे. तो तीसरा जो एस्पेक्ट है सैटर्न का, वो है 10th एस्पेक्ट. सैटर्न खुद 10th हाउस को रूल कर रहा है, और यहाँ पे 10वीं दृष्टि से, जो कि उसकी कर्म की दृष्टि है, वहां से उसके 10th हाउस को भी देख रहा है. तो सैटर्न बोलता है अगर आपने प्रॉब्लम क्रिएट की तो आपकी जॉब चली जाएगी, आपकी जॉब चेंज हो जाएगी. या फिर वह आपको थर्ड हाउस से मिला के देखें तो आपकी जॉब चेंज होगी, आपका प्रमोशन करूंगा, आप हार्डवर्क करो. हार्डवर्क करते, क्योंकि बहुत सी बार देखा गया सैटर्न की 7.5 में बहुत मस्त कामकाज चलता है लोगों का, वो काम अच्छा करते हैं. दूसरे फेजेस भले बेकार जाए पर कामकाज बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो हार्डवर्क कर रहे हैं, डेडिकेशन से अपना काम कर रहे हैं. तो Saturn will give result to their 10th house. Job change, promotion, ये भी देखने को मिलता है. तो अगर हम तीनों को मिला दें, अगर second phase की overall बात करें, तो second phase में Saturn बोल रहा है hard work plus opponent, third house hard work plus opponent plus workplace. अगर ये तीनों आपने combine कर दिए तो आपका मस्त जाने वाला है. अगर आपने हार्डवर्क दूसरा अगर देखा, अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहा तो आपके रिलेशनशिप बढ़िया होगी और आपका कामकाज में आपको शांति मिलेगी. रिलेशनशिप आपका बिजनेस अच्छा होगा तो कामकाज अच्छा चलेगा, क्योंकि 7th हाउस से बिजनेस भी देखते हैं. तीसरा अगर हम ऑर्गन्स देखें तो तीसरा हाउस हमारा हैंड्स शो करता है, 7th हाउस हमारा सेक्सुअल ऑर्गन शो करते हैं, हमारे 10th हाउस हमारा नीज शो करता है. अगर हम सैटर्न के हिसाब से चले तो हमको इनमें भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. नहीं तो बहुत सी बार पैर दुखना और ये प्रॉब्लम सैटर्न दे देता है अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज और ये नहीं करते हैं तो. सो डिपेंडिंग ऑन 7.5 कभी भी बुरी नहीं होती है. डिपेंडिंग ऑन गुड एंड बैड आप किस तरह से कर रहे हो, उस हिसाब से सैटर्न अपना रिजल्ट देगा. अब फाइनल फेज की बात करते हैं. फाइनल फेज की बात करें मतलब लास्ट फेज. लास्ट फेज के रिजल्ट हमेशा, क्योंकि ये उतरती हुई 7.5 बोलते हैं इसको, उतरती हुई 7.5 बोले तो ट्रांजिट में जब सैटर्न मून से सेकंड, यहाँ पे हम देख सकते हैं मून से सेकंड हाउस में जब भी ट्रांजिट करेगा, जब वो थर्ड फेज और फाइनल फेज आखिरी 2.5 साल उतरती हुई 7.5. अब इसके जो रिजल्ट है उसके रिजल्ट आएंगे हमारे फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज के, उस पर हमने फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज में क्या किया उस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा थर्ड फेज. अगर फर्स्ट फेज सेकंड फेज में हमने बहुत अच्छा किया, हमने मेहनत कर ली, भले हमारा टाइम अच्छा नहीं, थर्ड फेज आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाएगा. अगर फर्स्ट फेज सेकंड फेज में हमारा टाइम बुरा नहीं गया पर हमने सैटर्न के हिसाब से काम नहीं किया तो थर्ड फेज में प्रॉब्लम देके जाएगा सैटर्न आपको. कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा, न्यायाधीश है उसको सिखाना है अल्टीमेटली आपको कि भाई तू लाइफ में ऐसे कर, या तो तू अच्छे खुद से कर ले या फिर मैं तेरे को सिखाता हूँ कि कैसे करना है. सो सेकंड फ्रॉम मून, सबसे पहले तो सैटर्न कहाँ चले गया, सेकंड फ्रॉम मून हाउस ऑफ रिसोर्सेज में जाके बैठ गया, फैमिली के हाउस में जाके बैठ गया.
तो वो अब अपने माइंड को छोड़ रहा है। अभी तक क्या किया, सबसे पहले वो सबकॉन्शियस माइंड में गया था सैटर्न, जब 12th में गया था, उसके बाद माइंड के ऊपर पूरा माइंड कवर कर लिया उसने। अब वो माइंड को धीरे धीरे छोड़ रहा है। सैटर्न बोल रहा है अब मैं तेरे तुम्हारे माइंड को छोड़ रहा हूँ, बट तुम्हारे माइंड की स्टेट तो मैंने चेंज कर दी है, समझो इस बात को। माइंड की, क्योंकि उसने पूरा कवर कर लिया था 5 साल के लिए, तो माइंड की स्टेट अब मैंने चेंज कर दी है तुम्हारी। सो अब मैं तुम्हारे माइंड को छोड़ रहा हूँ, अब तुमको जैसा फील करना है कि अगर तुम सीख गए तो तुम अच्छा करोगे, अगर तुम नहीं सीखे तो तुमको इफेक्ट आएगा, क्योंकि माइंड तो चेंज हो गया है। अब यहाँ से रिसोर्सेज भी आ गए। सैटर्न बोल रहा है अब रिसोर्सेज, अब तुमको रिसोर्सेज, फैमिली से हेल्प लोगे। अब 5 साल में स्ट्रगल कर लिया तो तुम फैमिली वालों के पास जाओगे, क्योंकि सैटर्न जहाँ बैठता है वहां का बुरा नहीं करता, तो यहाँ से पैसा आना भी चालू होगा। रिसोर्सेस, रास्ते दिखेंगे तुमको, क्या पैसे कैसे आएंगे। फैमिली, फैमिली वालों से भी तुम हेल्प लोगे। उसके बाद अगर हम देखें तो फैमिली सपोर्ट मिलेगा, उसके बाद रिसोर्सेस मिलना चालू हो जाएंगे, माइंड आउट ऑफ ड्राई स्टेट आना चालू हो जाएगा, वापस से इमोशंस फ्लो होना चालू हो जाएंगे माइंड में। सो डिग्री वाइज जैसे जैसे सैटर्न दूर जाता जाएगा मून से, उतना इफेक्ट देता जाएगा। अब उसमें फर्स्ट, अगर इसकी दृष्टि की बात करें तो थर्ड एस्पेक्ट देखें तो वो जा रहा है फोर्थ हाउस के पास। फोर्थ हाउस में सैटर्न बोल रहा है अब इंसान का स्टेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, भाई मैं परेशान हो गया। सेकेंड हाउस, मेरे पास अगर मनी नहीं है और मैंने पहले 5 सालों में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट की, तो बंदा क्या करेगा, अपना हाउस सेल करेगा, हाउसेज, व्हीकल सेल करेगा, वहां से उसके वो हो जाएंगे। अगर फर्स्ट फेज सेकंड फेज में उसने बहुत अच्छा किया और काम डाउन, बिल्कुल शांति से काम किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके मदर से बहुत अच्छी बनेगी, उसकी व्हीकल्स, या तो वो गाड़ी खरीद सकता है, उसके हाउस में अच्छा, वो हाउस में रहना पसंद करेगा इस टाइम पे, क्योंकि पहले 5 सालों में वो बहुत पक गया है मेहनत कर करके, तो अब वो हाउस पे कॉन्सेंट्रेट करेगा, वो घर के अंदर शांति ढूंढेगा बैठ कर। तो अच्छी चीजें भी हैं, बुरी चीजें भी हैं, हमको जस्ट एनालाइज करना है सैटर्न कैसे देगा, रिजल्ट्स कैसे देगा। तो क्योंकि नेचुरल फोर्थ हाउस भी है मून से फोर्थ, तो मन अपना करेगा कि मैं घर में ही बैठूं, घर में कहीं शांति ढूंढेगा बंदा। उसके बाद सेवंथ एस्पेक्ट देखूं, सेवंथ एस्पेक्ट मून से 8th आ गया, 8th हाउस में आ गई है सैटर्न की, जैसे कि हम चार्ट में देख सकते हैं। अब 8th हाउस में आ गई तो वो क्या शो कर रहा है, 8th हाउस में शो कर रहा है, 8th हाउस हमारा डिप्रेशन को भी शो करता है, हमारी मनी फ्रॉम एंसेस्टर्स भी शो करता है, आध्यात्म भी शो करता है, मेडिटेशन भी शो करता है, एस्ट्रोलॉजी भी शो करता है, रेमेडीज भी शो करता है, ये सारी चीजें शो करता है। तो सैटर्न ने क्या किया, पहले 5 साल में अगर इंसान बहुत पक गया, मतलब उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो अब वो रेमेडीज 5 साल के बाद तीसरे फेज में जाके वो रेमेडीज देखेगा, वो एस्ट्रोलॉजर से कॉन्टेक्ट करेगा, वो किसी पंडित से कॉन्टेक्ट करेगा, वो आध्यात्म की तरफ जाएगा, वो बोलेगा कि लाइक मेरे को अब सॉल्यूशन चाहिए, उसको रेमेडी चाहिए। अब 5 साल के बाद, 5 साल उसने देख लिया, वो रेमेडी चाहिए, तो 8th हाउस उसका एक्टिवेट करेगा, ये 8th हाउस शो कर रहा है। ऑल्सो 5 साल में अगर बहुत ज्यादा हो गया तो वो डिप्रेशन में भी चला जाएगा बंदा, उसी डिप्रेशन के कारण अगर उसने सही से नहीं किया तो उसको लॉन्ग टर्म डिसीज, मेंटल डिसीज होने की या लॉन्ग टर्म डिसीज होने की बहुत संभावना बन जाती है यहाँ पे। सो अगर बैड साइड देखें तो डिप्रेशन और डिसीज, गुड साइड देखें तो सॉल्यूशन ढूंढेगा, भाई ऐसा हुआ तो हुआ क्या और मेरे को आगे क्या करना, तो ही विल कॉन्टेक्ट टू एस्ट्रोलॉजर, वो ऑकल्ट साइंस की तरफ जाएगा, वो आध्यात्म की तरफ जाएगा, वो भगवान की तरफ झुकेगा, वो फाइंडिंग रेमेडीज देखेगा, या फिर उसको एंसेस्टर प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस है, अगर बहुत अच्छा किया तो एंसेस्टर प्रॉपर्टी, क्योंकि मून से 8th हाउस से एंसेस्टर प्रॉपर्टी भी देखते हैं हम, तो मून से 8th, उसके बाद अब मून से 8th अगर सेकेंड फेज में उसने अपनी वाइफ से लड़ाई नहीं की, तो वाइफ से अच्छे रिलेशन रखे, तो उसको उसके सेकंड हाउस से वाइफ का वो भी होता है, मतलब 7th से सेकंड हो गया 8th हाउस, तो वाइफ का घर भी हो गया, तो वाइफ के घर में वो बोल रहा है वाइफ का पैसा, वाइफ का धन, और वहां से ससुराल पक्ष भी देखते हैं, तो ससुराल से उसको फायदा होगा। अगर उसने सेकंड फेज में
वाइफ से बहुत कम्युनिकेशन बहुत बिगाड़ लिया, लड़ाई झगड़े किए, रिलेशन खराब किए, तो इस फेज में जाके 8th हाउस में उसके ससुराल में से उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। सो ये सारी चीजें अपने को गुड फेज भी देखना है और बैड चीजें भी देखनी है। तो अकॉर्डिंग टू दैट वी विल फाइंड के लास्ट 5 साल में क्या किया, उसके बेस पे आपको रिजल्ट आएगा थर्ड फेज का। सो दिस इज लाइक 8th हाउस में से डील करना, डिप्रेशन से डील करने के लिए आओ, बाहर आने के लिए ये सारी, क्योंकि पहले 5 साल में निचोड़ देता है सैटर्न शनि। आपने अगर खुश होके खुद ही काम कर लिया तो वो निचोड़ने की बात आती ही नहीं है। फिर आपको बाहर, मतलब अगर फर्स्ट फेज में भगवान आध्यात्म में से जुड़ गए तो इस फेज में आपको 8th हाउस के अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो कनेक्ट करने की बात है कि आप के सैटर्न की 7.5 कैसे लेते। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 7.5 आ गई, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा नहीं है। सैटर्न कर्म का कारक है, वो बोलता है कि आप खाली कर्म करो, आप लेजी मत बनो। सो बाद में जब हम देखेंगे हमको क्या क्या करना चाहिए, तो उस समय मैं बताऊंगा कि ये चीजें कर सकते हैं अगर आप इस प्रोफेशन में हैं, तो दैट विल हेल्प यू। फिर 10th एस्पेक्ट देखेंगे तो 11th हाउस, अब उसको मदद चाहिए क्योंकि उसको रेमेडीज चाहिए, उसका 2nd हाउस से उसने ली, उसका 5 साल में बहुत काम धंधा मान लो चौपट हो गया। 2nd फेज में 10th हाउस था, 10th हाउस में काम इफेक्ट किया, तो 3rd फेज में जाएगा, अपने दोस्तों से मदद मांगेगा। 11th हाउस मून से 11th हाउस हो गया 10th एस्पेक्ट। सो 10 कर्म का एस्पेक्ट है, तो फ्रेंड से बोलेगा कि यार मेरा काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा, मेरा काम काज अच्छा नहीं चल रहा, तो आप मेरे को हेल्प करो। अनएक्सपेक्टेड गेन्स वहां से होते हैं, तो इस टाइम पे आपको गेन होंगे। 11th हाउस इज योर फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, तो जो डिजायर 5 साल से बचे हुए थे वो डिजायर्स यहाँ पे आपके पूरे होंगे। यहाँ से स्मॉल डिसीजेस भी होती है, क्योंकि ये 6th से 6th भी है, तो स्मॉल डिसीजेस भी, अगर आपने पहले पहले दूसरे फेज में प्रॉब्लम क्रिएट की है, आप नहीं समझे कि सैटर्न क्या करवाना चाह रहा है, तो टेंशन की वजह से, क्योंकि 8th हाउस टेंशन का है, तो उससे स्मॉल डिसीजेस भी हो जाएंगे। और 8th हाउस टेंशन का भी है और डिप्रेशन का भी है, और डिप्रेशन से सैटर्न 2nd में भी बैठा है, तो 3rd में भी बोलता है, 2nd में बैठ के वो बोलता है आप मेरे को दारू पी के खराब ना करें, तो मैं आपको कोई डिसीज नहीं दूंगा 8th में बैठ के। और यहाँ से अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी देगा 11th में बैठ के, तो स्मॉल डिसीजेस भी नहीं होंगी। फ्रेंड के पास जाओगे आप, रिसोर्सेज ढूंढोगे फ्रेंड के थ्रू। 10th एस्पेक्ट मतलब मेरे को काम करना है, तो फ्रेंड से बोलोगे यार भाई नौकरी चले गई तो मेरा हेल्प कर, बिजनेस में ऐसा हो रहा है, तो एडवाइस लोगे। कोई फ्रेंड आपको एज ए नेचुरल मतलब मदद लेके या फिर कोई आइडिया लेके आएगा जो आपको हेल्प करेगा, या फिर अगर आपने आप 2nd सेकंड में बैठा है, आपने फिर कम्युनिकेशन खराब किया, तो आपके दोस्त से लड़ाई होना हो, कोई अच्छा दोस्त आपका हाथ से निकल जाएगा, आपके अनएक्सपेक्टेड गेन्स की जगह लॉस हो जाएंगे, कोई ना कोई बीमारी आपको पकड़ लेगी। तो दिस इज हाउस इन दिस इज हाउ वी हैव टू सी द सैटर्न रिगार्डिंग विथ 7.5। सो अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन देखें 3rd फेज का, तो 3rd फेज के कंक्लूजन में सैटर्न बोल रहा है 2nd हाउस प्लस 4th हाउस प्लस 8th हाउस प्लस 11th हाउस, मतलब फैमिली और रिसोर्सेस आपके हाउस से मिल जाएंगे आपको, आपको रेमेडीज एस्ट्रोलॉजी तंत्र प्रॉपर्टी या डिसीज ये हो सकती है, डिप्रेशन में चले जाओगे, और बाहर निकलने के लिए आपके कामकाज के लिए आपके दोस्त हेल्प करेंगे, आपको गेन्स हो सकता है, सडन गेन्स हो सकता है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर हो सकता है। मान लो आपको आपने 2nd फेज में बहुत अच्छा किया, आपकी वाइफ के साथ बहुत अच्छे टर्म्स है, 3rd फेज में सारी चीजें अगर आपको सही करनी, मान लो 2 फेज अच्छे नहीं गए, 3rd फेज में आपकी वाइफ हेल्प करेगी, तो वाइफ हेल्प करेगी कैसे हेल्प करेगी, उसके ससुराल से कुछ मान लीजिए हेल्प कर देंगे आपको, सो दैट इज ए सडन गेन, वो हेल्प कर रहे हैं, मतलब एज ए फ्रेंड बन के आ गए आपके लिए। सो देखने के अगर हर हाउस के हम का नेचुरल सिग्निफिकेशन देखें, तो हमको पता पड़ेगा कि सैटर्न करता क्या है। अब कुछ पॉइंट्स आते हैं। अब हम ये तो सैटर्न 7.5 के 3 फेज की बात हो गई, अब क्या हमेशा 7.5 अच्छी नहीं होती? जी नहीं, ऐसा नहीं है। उसके लिए हमको अष्टक वर्ग एनालाइज करना है, बहुत जरूरी है। अष्टक वर्ग सिस्टम है, पॉइंट सिस्टम है, जिसमें 8-7 प्लेनेट
हम इसमें राहु केतु को नहीं लेते, 7 प्लैनेट्स और एक अपना लग्न जो आपका असेंडेंट है, उन सबके पॉइंट्स देते हैं, तो 8 एनर्जी होती है। और सैटर्न के मैक्सिमम पॉइंट्स होते हैं 39। हर कोई प्लेनेट सैटर्न को, क्योंकि सैटर्न मेहनत कराता है, तो सैटर्न के अच्छे पॉइंट्स कम है और मैलिफिक पॉइंट्स ज्यादा है। तो क्योंकि सबको मेहनत पसंद नहीं होती है, इसलिए सैटर्न के 39 पॉइंट्स ही है। तो अगर 8 से डिवाइड करें तो 3 पॉइंट समथिंग कुछ आता है, तो 3 एवरेज लेके चलते हैं हम सैटर्न का। अगर 3 या 3 अगर पॉइंट्स हैं तो वो अच्छा मतलब नॉर्मल जाएगा, ना ही ज्यादा अच्छा जाएगा ना ही कोई बुरा जाएगा। 4 या 4 से ज्यादा है तो एवरेज से अच्छा जाएगा, मतलब 7.5 ही एवरेज से अच्छी जाएगी, अष्टक वर्गा के थ्रू अगर हम देखें तो। एज पर सैटर्न अगर 5 या 5 से ज्यादा हो गए तो आप इतना ना सोचे, क्योंकि सबने अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए हैं। अब दूसरी जो बात आती है, तो हमको क्या देखना है, मून देखना है। अष्टक वर्ग का पॉइंट्स कहाँ कहाँ के देखने हैं सैटर्न की 7.5 में। एक तो जहां मून बैठा है, एक मून से 12th हाउस, एक मून से 2nd हाउस, इन तीनों के अष्टक वर्ग का पॉइंट देखने हैं हमको, कंसिडर करने हैं सैटर्न को कितने पॉइंट्स मिले हैं। अगर कम भी 0 या 1 भी पॉइंट मिले तो उसका भी रास्ता है हमारे पास, उसका भी एक चार्ट शो करूंगा मैं आपको, नरेंद्र मोदी का, जो 7.5 के अंदर ही प्रधानमंत्री बने थे इंडिया के, और उनके पॉइंट्स इतने अच्छे नहीं दे रखे, बट उनका हार्डवर्क और डेडिकेशन ने सारी चीजें 7.5 में ही चेंज कर दी। क्योंकि 7.5 मून की दशा ही चल रही थी, चंद्रमा की दशा ही चल रही थी उनकी, और चंद्रमा उनका लग्न में बैठा था, उनके माइंड पे ही सैटर्न बैठा हुआ था। उनका कर्म और जब मून दोनों मिल गया और उनने मेहनत करी तो उनको बेस्ट रिजल्ट मिले हैं। तो बिना अष्टक वर्गा के भी हम देख सकते हैं, बट अष्टक वर्गा से हमको ये पता पड़ जाएगा एक नॉर्मल इंसान जो मेहनत नहीं कर पाता है उसकी 7.5 अच्छी जाएगी या नहीं जाएगी। कुछ क्वेश्चंस भी हमारे मन में आते हैं। पहला आता है कि क्या 7.5 जो 7.5 साल है पूरे ही बेकार जाएंगे, मतलब 7.5 साल में सारा टाइम ही बेकार रहेगा, जी नहीं, या फिर सारा टाइम ही अच्छा रहेगा, जी नहीं। डेट डिपेंड्स ऑन द कक्षा, आपको कक्षा देखनी है। कक्षा बोले तो कक्षा के लिए आप मेरे अष्टक वर्ग का सेपरेट वीडियो बना रखा है मैंने, कक्षा के ऊपर, अष्टक वर्ग सीरीज के ऊपर, कि अष्टक वर्ग में हम कैसे चेक करते हैं, तो आप कक्षा का वीडियो भी जाके देख सकते हैं, तो आपको कक्षा समझ में आ जाएगी। कक्षा बोलती है हर प्लेनेट की एक कक्षा होती है, मतलब 8 प्लेनेट है तो सबसे स्लोएस्ट से स्लोएस्ट मतलब पहली कक्षा डिग्री वाइज चलता है कि कौन सा प्लेनेट कितनी डिग्री पे बैठा है, उसके अकॉर्डिंग हम कक्षा चेक करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, ये कक्षा बोलती है जब जब सैटर्न एक्टिवेट होगा, अगर किसी ने पॉइंट दिया है, अगर उस टाइम पे ही सैटर्न की 7.5 में सैटर्न उस टाइम पे ही एक्टिवेट होगा, तो उस टाइम पे अगर उसको गुड रिजल्ट देने तो उस टाइम पे देगा, बैड रिजल्ट देने उस टाइम पे देगा, बाकी टाइम पे सैटर्न स्लीपिंग स्टेट में रहेगा तो सैटर्न इफेक्ट नहीं देगा। बट वो इतना इफेक्ट देके चले जाता है ना कि इंसान बाहर ही नहीं आ पाता उससे, क्योंकि वो सबसे स्लोएस्ट प्लेनेट है। हमको ये चीज हमेशा याद रखनी है, हमेशा 7.5 साल तक इफेक्ट नहीं देगा वो जब जब कक्षा में एक्टिवेट रहेगा, ये एक बेसिक फंडा हमको याद रखना है, कक्षा में जब जब एक्टिवेट रहेगा सैटर्न उस समय ही वो अपने रिजल्ट्स देगा। दूसरा जो, चाहे वो अच्छा रिजल्ट दे या बुरा रिजल्ट दे, दूसरा क्वेश्चन आता है इतना इंटेंस इफेक्ट क्यों देता है। मान लो कक्षा में ही दिया तो भी इतना इंटेंस इफेक्ट क्यों दिया, तो उसके लिए क्या है, सर्टेन सैटर्न जो शनि है 7.5 साल तक आपके ऊपर है, एक हाउस को कंप्लीट करने में उसको 30 महीने लगते हैं, 2.5 साल, 30 महीने, और 8 एनर्जीज हैं तो 8 कक्षा डिवाइड हो गई, तो अगर 8 से डिवाइड किया तो 3.75, तो अच्छा रिजल्ट 3.5 महीने तक देगा, बुरा रिजल्ट भी 3.5 महीने। अगर ये कोई इंसान 2 दिन में ही बुरा हो उसके साथ तो परेशान हो जाता है, अब ये 3.5 महीने अगर चालू हो जाए तो आप सोचो कितना खतरनाक हो देगा। तो 3.5 महीने की टेंशन, अब उसको रिमूव करने के लिए फिर वापस से वापस, मतलब ये एक कक्षा का बोल रहा हूँ, अगर 2 कक्षा एक्टिवेट हो गई तो आप सोच सकते हो कितना, इसलिए इसका इफेक्ट बहुत इंटेंस होता है।
चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, इफेक्ट इंटेंस होता है। इसलिए हमको अष्टक वर्गा से एनालाइज करना और कक्षा एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा टाइम पीक टाइम रहेगा। और दूसरी चीज है, पीक टाइम सैटर्न सबसे ज्यादा इफेक्ट देता है जब मून की डिग्री और सैटर्न की डिग्री आपस में मिल जाती है। मतलब सैटर्न जब मून के ऊपर से ही मून की डिग्री पे ट्रांजिट कर रहा है ना, सबसे खतरनाक फेज होता है वो 7.5 का, क्योंकि डिग्री सेम हो गई है। तो बिल्कुल सेंटर ऑफ द माइंड में आके सैटर्न बैठ गया है। अब तो उसके पूरे जो ड्राइनेस है वो सारी बढ़ा दी है, दिमाग में ड्राइनेस ही ड्राइनेस कर दी है सैटर्न ने। तो अगर हम एग्जाम्पल देखें अष्टक वर्गा का, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम देखते हैं मून, मून जहाँ बैठा है वहां पे सैटर्न को 1 पॉइंट मिला है, 12th हाउस में 5 पॉइंट्स दिए हैं और 2nd हाउस में 3 पॉइंट दिए हैं। सो जब एंटर करेगा ना 7.5 में, और मान लो सैटर्न ने फर्स्ट 0 से 3.5 सैटर्न की कक्षा में सैटर्न ने पॉइंट दिया, तो वो टाइम उसके लिए बहुत अच्छा जाएगा। फिर मान लो जुपिटर जो सेकंड फेज है उसमें पॉइंट नहीं दिए, तो सैटर्न स्लीप पर रहेगा, पर वो उसका टाइम अच्छा गया तो वो हमेशा खुश रहेगा। तो 5 पॉइंट दिए, 5 इज मोर रियली गुड फॉर 7.5, मतलब अच्छा रिजल्ट मिलेगा एवरेज से, बहुत अच्छा, क्योंकि हमने पहले देख लिया है। तो ये बहुत अच्छा टाइम जाने वाला है इस बंदे के लिए। फिर जब सेकंड फेज में आया, फर्स्ट फेज में उसने मजे तो ले लिए पर उसने हार्डवर्क नहीं किया। मान लो अगर हार्डवर्क किया तो सेकंड फेज में 1 पॉइंट दिया ना, वहां भी प्रॉब्लम नहीं देगा। अगर हार्डवर्क नहीं किया, मजे ले लिए, फर्स्ट फेज तो अच्छा चला गया, सेकंड फेज में सैटर्न आके उसकी 12 बजा देगा फिर। या फिर उसने हार्डवर्क किया, फिर सारे काम अच्छे से किए, उसने किसी को धोखा नहीं दिया, चीटिंग नहीं की, गलत रास्ते पे नहीं चला, दारू वारू ये नहीं पी, बहुत छोटी छोटी बातें हैं ये। सो सेकंड फेज में वो सुपर रिजल्ट देने वाला है सैटर्न। या फिर सेकंड फेज में एक ही पॉइंट दिया है, मतलब अगर हम अष्टक वर्गा के पॉइंट से अगर देखें, हम अच्छा बुरा छोड़ देते हैं, तो दिस इज अगर बैड पीरियड, तो बैड पीरियड कब होगा? सैटर्न जब कक्षा में एक्टिवेट होगा, वो जो एक पॉइंट किसी भी प्लेनेट, सन, मून, मार्स, मर्क्यूरी, सैटर्न, जुपिटर, इन 7 6 प्लेनेट और एक सॉरी इन 7 प्लेनेट और एक लग्न, 8ों में से अगर किसी ने पॉइंट दिया होगा उस समय एक्टिवेट होगा वो टाइम पे इफेक्ट नहीं देगा सैटर्न, अच्छा या बुरा। सैटर्न बोलेगा जरूर, इफेक्ट थोड़ा बहुत रहता है, बट मेन जो इंटेंस इफेक्ट आएगा वो सैटर्न की कक्षा के टाइम पे ही आएगा। अब थर्ड फेज में देखते हैं, तो सेकंड फेज में मान लो बहुत ही बेकार गया आपका, तो थर्ड फेज में 3 पॉइंट दिए, दैट इज एवरेज के आसपास है, क्योंकि सैटर्न को कम पॉइंट्स मिलते हैं, नहीं तो 4 अपन लेके चलते हैं, बट 3 में यहाँ पे एवरेज मान लेते हैं। सैटर्न बोलेगा मैं अच्छा भी नहीं दूंगा, बुरा भी नहीं दूंगा, तू निकल, मतलब तेरे को रास्ते दिखा दूंगा मैं, रिसोर्सेस दे दूंगा निकलने के लिए। तो इस तरह से रिकवरिंग फेज भी है। सो इस तरह से हमको अष्टक वर्गा से सैटर्न की 7.5 एनालाइज करनी चाहिए। तो जब भी 3 पॉइंट दिए उस समय सैटर्न एक्टिवेट होके उसको रिसोर्सेस दिखाएगा थर्ड फेज में। सो दिस इज हाउ वी विल गोइंग टू एनालाइज द 7.5 थ्रू अष्टक वर्गा। अगर पॉइंट्स अच्छे हैं, 4 4 5 4 पॉइंट दिए हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट सैटर्न का मूल तत्व है कि आपको मेहनत करनी है, फिजिकल मेहनत करनी है मेनली, तो आपका बहुत अच्छा जाएगा टाइम। सो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें आखिर आखिरी में एज ए कंक्लूजन, सो पहली चीज आती है, सैटर्न और मून की डिग्री जब सेम हो जाएगी तो सबसे ज्यादा पीक पॉइंट होता है। सैटर्न हमेशा ही 7.5 बेकार होगी, नहीं, सैटर्न की अगर दशा या अंतर दशा चल रही होगी तो 7.5 का अच्छा या बुरा इफेक्ट ज्यादा प्रोमिनेंटली मिलेगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल टाइम पे, अगर 7.5 चल रही हो, या फिर मून की दशा अंतर दशा, क्योंकि मून और सैटर्न ही यहाँ पे प्ले कर रहे हैं। अगर किसी और की दशा अंतर दशा चल रही है तो अपने को इतना इफेक्ट नहीं देगा, ये भी बात हमेशा याद रखनी है अपने को, दशा अंतर दशा देख लेने का। सैटर्न की दशा अंतर दशा नहीं है, सैटर्न इफेक्ट देगा बट इतना आपको पता नहीं पड़ेगा। तो बहुत से लोग बोलते हैं मेरी तो 7.5 आई थी, किसने बोला तेरी 7.5 बेकार जाएगी, बट नॉर्मल ही गई है, क्योंकि भाई तुमने अंतर दशा और दशा नहीं देखी। सैटर्न का मेजर पीरियड और माइनर पीरियड तो आ ही नहीं रहा है कहीं पे, वो आएगा, या फिर प्रति अंतर दशा भी देख लो,
वो आएगा, या फिर सैटर्न जिस हाउस को रूल कर रहा है, अगर वो बीएसपी मेथड से अगर वो देखें को कौन सा हाउस एक्टिवेशन हो रहा है, या नवतारा से चेक करें तो हमको पता पड़ जाएगा। नवतारा में भी अगर देख लिया अच्छा टाइम चल रहा है उस समय, तो उसके इफेक्ट थोड़े कम हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें एनालाइज करने के बाद ही हमको बोलना चाहिए 7:30 कैसे जाएगी। ऐसे ही नहीं बोल देना चाहिए भाई तेरा स्टॉक वर्गा में पॉइंट कम है, तेरी 7:30 बहुत ही बेकार जाएगी, ऐसा नहीं होता है। आपको दशा अंतर दशा भी चेक करनी है सैटर्न के लिए, उसके बाद ही आप कोई रिजल्ट बोलेंगे। बिना उसके रिजल्ट बोलना इट्स लाइक के आधा अधूरा ज्ञान। अब बात आती है, सैटर्न बोलता है बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल्स है या घर में बैठने वाले काम हो गए हैं आजकल, तो सैटर्न बोलता है आप मेहनत ही नहीं कर रहे हो, मतलब आप काम कर रहे हो बट मेहनत। तो अगर सैटर्न आपका अच्छा इफेक्ट नहीं दे रहा है तो आप क्या करें, जिम ज्वाइन कर लें। क्योंकि पुराने टाइम पे सैटर्न कर्म का कारक है, सैटर्न बोलता है फिजिकल मेहनत करो, आप पसीना बहाओ तो मैं आपको रिजल्ट दूंगा। आपको पसीना कहाँ, जिम जाओगे आप, जिम ज्वाइन कर लोगे तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका शरीर थक रहा है, आपका शरीर थक रहा है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज। कहीं मंदिर जाने की कुछ कोई जरूरत नहीं है, आप फिजिकल एक्सरसाइज करें सैटर्न की 7:30 के टाइम। फिजिकल एक्सरसाइज करने से आपका शरीर थकेगा तो इट विल रिफ्लेक्ट एज ए आपने कर्म किया है, 10th house आपका एक्टिवेट हो रहा है, बॉडी से आप थक गए हैं, कर्म करते समय आपकी बॉडी थकती है, तो फिजिकल एक्सरसाइज करें, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज आई कैन से। सैटर्न बोल रहा है कि अगर आप बैंक में काम करते हैं, आप आईटी प्रोफेशनल है, तो आप 1 घंटे दिन में आधा घंटा 1 घंटा एक्सरसाइज करें, सुबह करें शाम करें, आपकी बॉडी थकेगी, सैटर्न को लगेगा कि हाँ काम कर रहा है तू भाई, मेहनत कर रहा है एक्चुअली में। सो दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी आई वुड से रिगार्डिंग सैटर्न 7:30। उसके बाद जो भोलेनाथ है वो सैटर्न शनि के गुरु हैं, तो महामृत्युंजय का जाप करना, अगर आप आध्यात्मिक उसमें देखना चाहते हैं, महामृत्युंजय का जाप करना सैटर्न की 7:30 में, या फिर रुद्र अभिषेक करना, ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है, 5 रुद्र अभिषेक करना, या फिर रोज 108 बार पढ़े सैटर्न, एक छोटी सी शिवलिंग लिया उसका खुद का अभिषेक करते जाए, या महामृत्युंजय पढ़े, दिस इज वन ऑफ द गुड रेमेडी फॉर सैटर्न। बजरंग बाण का पाठ, अगर एनिमीज ज्यादा हो गए हैं या फिर ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो हनुमान चालीसा के आप बजरंग बाण का पाठ सरसों के तेल का दिया हनुमान जी को लगा के करें, क्योंकि हनुमान जी मंगल, पहली बात तो मंगल सैटर्न के घर में आके एग्जॉल्टेड हो जाता है, मंगल इज लाइक सेनापति और सैटर्न लोअर क्लास पीपल को शो करता है, सैटर्न वहां पे दब जाता है। और अगर हम माइथोलॉजिकल स्टोरी भी देखें तो हनुमान जी को, हनुमान जी के ऊपर कभी 7:30 नहीं लगी, और सैटर्न जब उनके सैटर्न ने उनको जब परेशान किया तो शनि ने उनको वरदान दिया था कि आप पर राम भक्त पर मैं कभी भी वो नहीं करूँगा, राम नाम का जाप करना, क्योंकि राम नाम का जाप करने से बजरंग बली खुश होंगे और उससे आपका सैटर्न आपको इफेक्ट नहीं देगा। दूसरी चीज, शनि मंदिर जाकर शनि की आंखों में ना देखें आप ज्यादा घूर के, उनको बहुत नम्रता से देखें, तेल चढ़ाएं उनके ऊपर तो वो भी अच्छा है, शनि चालीसा है, बहुत सारी चीजें हैं करने को, बट फिजिकल एक्सरसाइज करना वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी, राम नाम का जाप। दूसरा जो मैं बोलूंगा, बूढ़ों की सेवा, सैटर्न रूल्स ओल्ड पीपल, बूढ़ों को, वृद्धों को और लोअर सोसाइटी, लोअर क्लास पीपल को, लोअर सोसाइटी को रूल करता है सैटर्न, तो उनको दान, उनकी सेवा करें, वृद्ध आश्रम में जाके खाना खिला के आ जाए, आपकी 7:30 बेकार कैसे ही नहीं जाएगी, कितनी ही बुरी 7:30 हो वो बुरी नहीं जाएगी, आपने वृद्धों को खिलाया मतलब आपने सैटर्न को खाना खिला दिया है, आपने उनकी सेवा की, आपके घर में दादा दादी है उनके आप पैर दबाएं, बूढ़ों के पैर दबाएं, उनकी सेवा करें, सैटर्न आपका जाएगा नहीं, डेली आप बूढ़ों का आशीर्वाद ले लें, आपके दादा दादी हैं तो आप उनका आशीर्वाद ले लें, भाई बिना पैसे की रेमेडी है, क्या ही जा रहा है अपना, अगर वो लेंगे तो सैटर्न की 7:30 में आपको बैड इफेक्ट नहीं मिलेगा। अब हम बात करते 7:30 में बुरा ही नहीं होता, 90% जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, सॉरी
90% जो पॉलिटिशियंस हैं या फिर बड़े आदमी हैं वो अपने साढ़े साथी के टाइम पे राइज हुए हैं, क्योंकि कर्म और मून दोनों मिल जाता है उस समय। माइंड में अपना कर्म आ जाता है तो जिद आ जाती है, एक जिद क्रिएट होती है कि मेरे को काम करना है। अब जिसने काम कर लिया वो तो उसके प्यारे न्यारे हो गए, और जो आलसी बन के रह गया वहां पे सैटर्न क्रिएट्स ए प्रॉब्लम। सो अगर हम देखें नरेंद्र मोदी, ये ट्रांजिट है 2014 का ट्रांजिट, मून से मतलब आई थिंक लिब्रा में सैटर्न ट्रांजिट कर रहा था 2014-2013, उस समय साढ़े साथी चल रही थी नरेंद्र मोदी की। उनने बहुत मेहनत की थी प्रचार प्रसार में, और उनको लोअर क्लास ऑफ सोसाइटी का बहुत सपोर्ट था। सैटर्न से रिलेटेड चीजें आप करोगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लोअर क्लास सोसाइटी का एक सपोर्ट आ गया, आपका जनता का सपोर्ट आ गया, जनता को रिप्रेजेंट करता सैटर्न, उसका सपोर्ट आ गया, तो साढ़े साथी में वो प्रधानमंत्री बने। तो अपन ये नहीं बोलेंगे साढ़े साथी में हमेशा बुरा होगा, ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। और भी हैं, अमिताभ बच्चन अपने साढ़े साथी में बहुत राइज किया था। तो अब यहाँ देखे, अगर यहाँ पे अगर अष्टकवर्ग का देखे तो 3-1-3, 12th में 3 दिए हैं, देट इज एवरेज। जब वो ओवर द मून था 1 ही दिया, फिर 3 दिए। तो यहाँ से मैं ये शो करना चाह रहा हूँ उनने मेहनत की। अगर आप मेहनत करोगे तो अष्टकवर्ग का पॉइंट्स ना कम होने के बावजूद भी आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। आपको क्या करना है, आपको खाली उस टाइम पे मेहनत करनी है। सैटर्न बोल रहा है, सैटर्न एक ही चीज बोलता है, आप कर्म करो, आप मेहनत करो, और कुछ भी नहीं चाहता है सैटर्न। सैटर्न बोलता है आप लेजी मत बनो, दैट्स इट। आप डिसिप्लिन में आ जाओ, आप डिसिप्लिन में आ जाओगे आप लेजी नहीं बनोगे। आप जितना डिसिप्लिन शो करोगे सैटर्न उतने ही अच्छे रिजल्ट देने लग जाएगा। सो उनकी मून की दशा भी चल रही थी, जैसे मैंने मून दशा की बात की तो दशा भी देखना, मून की दशा चल रही थी और उस समय साढ़े साथी आ गई, और 2017 में उनकी सैटर्न की वो आ गई थी, अंतर दशा आ गई, तो सेकंड बार वो वापस बन गए। क्या बोलते हैं, वो दोनों बार साढ़े साथी चल रही थी उनकी जब दोनों बार वो प्रधानमंत्री बने। तो दिस इज हाउ साढ़े साथी, सैटर्न की साढ़े साथी हम ऐसे एनालाइज करते हैं। दिस इज हाउ के कैसा इफेक्ट मिलता है साढ़े साथी का। सो होप यू गाइज लाइक द कंटेंट, लाइक द इंफॉर्मेशन। एंड अब मेरे को लग रहा है कि कोई सैटर्न की साढ़े साथी से डरेगा नहीं, और सबको समझ में आ गया है, क्योंकि वो पहले फेज में ही सैटर्न बता देता है आपको करना क्या है। आपको बस वो समझना है, आपको पहले के 2.5 साल एनालाइज करने हैं कि आपने क्या किया और क्या रिजल्ट मिला है, और क्या सैटर्न कराना चाह रहा था, शनि आपसे क्या कराना चाह रहा था। अगर आपने वो चीज़ समझ ली इतनी सी, तो साढ़े साथी आपकी कभी भी बुरी नहीं जाएगी। सो दिस इज हाउ वी कैन इंटरप्रेट सैटर्न साढ़े साथी थ्रू अष्टकवर्ग ऑल्सो। So hope you guys like the video and the content in the video. If you guys really like the video, please do subscribe my channel. Also press the bell icon so that ऐसे informational video जो मैं बनाऊँगा वो आपके पास आते रहें। साथ ही में नक्षत्र माइथोलॉजिकल स्टोरी और उनकी डिकोडिंग की नक्षत्र सीरीज साथ में चल रही है, और अष्टकवर्ग सीरीज भी चल रही है। सो अगर आपको वो चीज़ सीखना है या और जानना है नक्षत्रों के बारे में, सो आप प्लेलिस्ट में जाके वो चीज़ें भी देख सकते हैं। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक द इन्फॉर्मेशन। थैंक यू एंड बी सेफ़।